नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल विनेश किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेज मोमोस रेसिपी। बिल्कुल बाजार जैसे वेज मोमोस मैं आपको यहाँ स्टीमर और कढ़ाई दोनों में बनाकर दिखाऊंगी, और साथ ही बनाएंगे मोमोस के साथ मिलने वाली तीखी लाल चटनी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोमोस बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार करेंगे। उसके लिए एक परात में 2 कप मैदा, आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑयल डालकर मिक्स करेंगे और आवश्यकता अनुसार पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ सॉफ्ट डो तैयार है। अब इसे ढककर 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम मोमोज के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम पत्ता गोभी को कद्दूकस करके लिया है और ये 1 कप कद्दूकस की हुई गाजर है। एक पैन में 2 से 3 चम्मच तेल गर्म करेंगे। यहाँ तेल गर्म हो गया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा अदरक और 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डालकर भूनेंगे। जब लहसुन ब्राउन हो जाए तब 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डालकर भूनेंगे। हमें यहाँ प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा ही भूनेंगे जिससे प्याज का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें कद्दूकस की हुई गाजर और पत्ता गोभी डालकर मिक्स करेंगे। यहाँ आप शिमला मिर्च, हरी प्याज या अपने पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं, और आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर दें। अब इसमें आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच विनेगर, अगर आपके पास विनेगर न हो तो उसकी जगह 1 चम्मच नींबू का रस डाल दें, और 1 चम्मच सोया सॉस डालकर चलाते हुए सब्जियों को भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ हाई ही रखेंगे जिससे सब्जियों में से जो पानी रिलीज होगा वह साथ ही साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सब्जियाँ पक गई हैं और इनका पानी भी सूख गया है। अब कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिलाएंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और स्टफिंग को प्लेट में निकाल के ठंडी करेंगे। चलिए तब तक मोमोज के लिए लाल चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 6 मीडियम साइज़ के टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अब इन सबको रफली चॉप करके पीस लेंगे और एक पैन में 2 चम्मच तेल गर्म करेंगे और पिसे हुए टमाटर का पेस्ट डालकर पकाएंगे। मोमोज की चटनी जब तक स्पाइसी न हो तो उसे खाने में मज़ा नहीं आता, इसलिए हम 2 बड़े चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। साथ ही 1 चम्मच सोया सॉस और आधा चम्मच नमक डालकर 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अब चटनी को बिल्कुल बाजार जैसी बनाने के लिए 1 कटोरी में 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च या अरारोट डालेंगे और चुटकी भर लाल रंग और पानी डालकर घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो देखिए यहाँ कॉर्न स्टार्च डालते ही हमारी चटनी कितनी गाढ़ी और लाल हो गई है, बिल्कुल वैसी ही जैसे बाजार में मिलती है। 2 से 3 मिनट पकने के बाद तीखी लाल चटनी तैयार है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ डो को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गए हैं और देखिए यहाँ डो अच्छी तरह सेट हो गया है। अब डो को मसलकर थोड़ा चिकना कर लेंगे और आटे में से 1 साइज़ की छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे और लोई को हथेली पर रखकर गोल पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सभी लोइयों से पेड़ा तैयार कर लिए हैं। अब एक तैयार लोई को बेलन की सहायता से किनारों से बेलते हुए उसकी पतली पूड़ी तैयार करेंगे। आप चाहें तो यहाँ बेलने में आसानी हो उसके लिए मैदा डस्ट करें। यहाँ पतली पूड़ी तैयार है। अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी उसे हाथ या चम्मच की सहायता से पूड़ी पर रखेंगे। पूड़ी को वीडियो में बताए अनुसार एक तरफ से सील करना शुरू करेंगे और स्टफिंग को अंगूठे से प्रेस करते हुए पूड़ी को अच्छी तरह सील कर देंगे और उसे मोमोज का आकार देंगे। तो देखिए यहाँ मोमोज तैयार है। अब इसे प्लेट में रखेंगे और दूसरी पूड़ी को भी इसी तरह बेलेंगे और स्टफिंग भरकर एक किनारे से इस तरह चुनटे भरते हुए और स्टफिंग को दबाते हुए मोमोज तैयार करेंगे। या फिर आप पूड़ी में स्टफिंग भरकर गुजिया की तरह बंद कर दें और इस तरह एक किनारे से अंदर की तरफ मोड़ते हुए पूड़ी को अच्छी तरह सील कर दें। तो फ्रेंड्स आपको जो तरीका पसंद आए उस तरह से मोमोज भरकर तैयार कर लें। देखिए यहाँ मैंने सभी मोमोज भरकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इन्हें स्टीम कर लेते हैं। अब स्टीमर को थोड़ा तेल लगाकर चिकना कर लेंगे और इसमें मोमोज रखेंगे। अगर आपके पास मोमो स्टैंड या स्टीमर नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपको आगे वीडियो में कढ़ाई में मोमोज स्टीम करने का तरीका बता दूंगी। चलिए अब मोमो स्टैंड को गैस पर चढ़ाएंगे और मोमोज को 15 मिनट स्टीम होने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास मोमो स्टैंड या स्टीमर नहीं है तो आप एक कढ़ाई ले लें और उसके अंदर ये स्टैंड, कटोरी या फिर कोई भी रिंग रख दें और 1 गिलास पानी डालें
और एक दूध ढकने वाली प्लेट या छलनी को स्टैंड के ऊपर रख दें और प्लेट को तेल लगाकर चिकना कर लें और तैयार मोमोज को रखकर ढक्कन लगाकर मोमोज को 15 मिनट पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ मोमोज को स्टीम होते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। अब गैस बंद कर देंगे और हमने जो कढ़ाई में मोमोज स्टीम करने के लिए रखे थे उन्हें भी स्टीम होते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। चलिए इन्हें खोलकर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई में भी मोमोज कितने बढ़िया स्टीम हुए हैं। चलिए अब इन्हें गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मोमोज और चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।